सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों मैं ललित सिंह, आपका फिटनेस कोच LUFT के आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज पार्ट 4। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपसे लेवल्स ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहा हूं वीडियोस के अंदर, और आज मैं पार्ट 4 आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें मैं करीब ये 6 लेवल आपसे डिस्कस करूंगा। और अभी तक 3 पार्ट में मैं आपसे 14 लेवल डिस्कस कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि सारे लेवल को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और जितने लोग काफ़ी टाइम से एक ही लेवल पर एक्सरसाइज कर रहे हैं उन्होंने अपने लेवल को अपग्रेड भी कर लिया होगा। दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि जितने लोग आप भी सर्कल में हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स में हो, जितने लोग भी जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अपने इतने साल के कैरियर में, करीब 17 साल मुझे इस फील्ड के अंदर हो गए, मैंने ऐसे लोगों को तो छोड़ी है, मतलब इवन ट्रेनर्स भी बहुत कम ऐसे ट्रेनर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर जो कि इन सारे लेवल्स को जानते हैं और एक्सरसाइज कराते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे इसलिए अपील करना चाहता हूँ ज़्यादा से लोगों को इसको शेयर करें। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो खुद जिम के अंदर ट्रेनर्स होंगे या तो काफ़ी लोग जिम करते होंगे, तो ये वीडियो मेरी सभी के लिए है। अपने आप को अपग्रेड करें और लेवल्स को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, और यही मेरा लक्ष्य भी है दोस्तों इस चैनल को बनाने का, कि ज़्यादा लोगों तक फिटनेस के बारे में सही जानकारी पहुँचे। तो इसी अपील के साथ अब मैं आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे पार्ट 4 है, करीब 6 लेवल आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर। सबसे पहले हमारा ब्लास्टर सेट। अब दोस्तों ब्लास्टर सेट के अंदर क्या होता है, इसमें आप हर दिन एक मसल को ट्रेन करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जैसे आप बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं अगर, तो इसमें क्या होता है आप एक ही मसल की दो एक्सरसाइज चूज करते हैं। फॉर द एग्जांपल अगर मैं बाइसेप्स के अंदर बाइसेप्स कर्ल प्लस बाइसेप्स हैमर अगर मैं चूज करता हूँ, दोस्तों आपको मैंने एक लेवल और डिस्कस किया था जिसे हम कंपाउंड सेट बोलते हैं, उससे थोड़ा सा एक लेवल अप है ये। अब कंपाउंड सेट में आप क्या करते हैं, उसमें भी आप एक ही मसल की दो एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज को फिनिश करने के बाद आप दूसरे एक्सरसाइज में जाते हैं। बट इसमें क्या होता है, आप बाइसेप्स कर और बाइसेप्स हैमर, जैसे मैंने दो एक्सरसाइज चूज करी, आप हर मसल को अपने अपने हिसाब से पैन कर सकते हैं। जैसे चेस्ट में आप बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस और इंक्लाइन बेंच प्रेस को ऐड कर सकते हैं। बैक में आप लैट पुल डाउन और बेंट ओवर बारबेल रो को ऐड कर सकते हैं। कोई भी दो एक्सरसाइज एक ही मसल्स की आप इसमें करेंगे। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें फ़र्क क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको सिर्फ 5 रिपीटेशन बाइसेप्स कर्ल के करने हैं प्लस 5 रिपीटेशन आपको हैमर के करने हैं, तो ये आपका एक राउंड होगा। और इस सेट के अंदर आपको 4 राउंड करने हैं, 4 राउंड करने वाला 4 राउंड आपको करने ही करने हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने 5 केजी का दो डंबल लिए हैं, जैसे 5 डंबल कल 5 हैमर, फिर 5 डंबल 5 हैमर 2 राउंड, 5 डंबल 5 हैमर 3 राउंड, 5 डंबल 5 हैमर 4 राउंड, यानी कि एक सेट के अंदर आपको 4 राउंड करने ही करने हैं। और ध्यान रखिएगा बहुत हैवी डंबल इसमें आपको नहीं लेने हैं, ऐसा डंबल लेने हैं जिसमें आपका 4 राउंड कर सकें। और अगर आप हैवी भी लेते हैं तो आप, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7.5 का डंबल लेते हैं उसे आप 2 राउंड कर पाते हैं, तो आपको 5 केजी का डंबल पहले से ही रेडी रखना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें ब्रेक नहीं लेना आपको 4 राउंड के अंदर। अगर आप वेट थोड़ा ज़्यादा भी लेते हैं तो तुरंत आपको लाइट डंबल जो है उससे वो अपने रेडी रखना है। तो इस सेट के अंदर आपको 4 राउंड करने ही करने हैं, सिर्फ 5 रिपीटेशन पहली एक्सरसाइज के, 5 रिपीटेशन दूसरी एक्सरसाइज के, एक राउंड, इस तरह से आपको 4 राउंड करने हैं। दोस्तों तो ये था आपका लेवल नंबर 15 ब्लास्टर सेट। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगला 16, इसे बोलते हैं ब्लास्टर सुपर सेट। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें क्या फर्क है, इस बार मैं चेस्ट का एग्जांपल लेता हूं बाइसेप्स सुपर सेट में। बाइसेप्स सुपर सेट में क्या होगा और साथ में ट्राइसेप्स, आपको याद होगा इसका नाम ब्लास्टर सुपर सेट क्यों है, ब्लास्टर और सुपर सेट इन दोनों का ये मिक्सचर है। सुपर सेट मैंने आपको बताया था, जैसे हम एगोनिस और एंटेगोनिस मसल और कंपाउंड और आइसोलेट मूवमेंट साथ साथ चलाते हैं, तो मैंने एक आइसोलेट एक कंपाउंड मूवमेंट साथ साथ ले ली। इसमें आपको क्या करना है, जो हम इसमें कर रहे थे वही हमें इसमें करना है। यानी कि जैसे मैं इसमें दो एक्सरसाइज ऐड कर देता हूँ, मान लो चेस्ट में मैं डंबल फ्लाई कर रहा हूँ फ्लैट बेंच पे, और ट्राइसेप्स में स्कल क्रशर। इसमें आपको क्या करना है, दोनों एक्सरसाइज आपको अपने सामने रेडी रखनी है। जैसे आपने फ्लैट बेंच पे लेट के डंबल फ्लाई करने हैं सिर्फ 5 रिपीटेशन, उसके तुरंत बाद 5 रिपीटेशन प्लस इसके भी 5 रिपीटेशन डंबल, सेम चीज़ है। बस ध्यान रखना है इसमें हम एक मसल को ट्रेन कर रहे थे, इसमें आपको दो मसल साथ साथ चलानी है, चाहे वो आइसोलेट कंपाउंड मूवमेंट हो, चाहे वो एगोनिस और एंटेगोनिस मसल हो। तो इसमें क्या करना है, आपको डंबल फ्लाई 5 रिपीटेशन, स्कल क्रशर 5 रिपीटेशन, तो ये आपका एक राउंड होगा। इस तरह से आपको 4 राउंड इसमें करने ही करने हैं। और वेट दोस्तों, जो भी आपको वेट आपको एडजस्ट करना है, कम या ज़्यादा करना है, वो आप पहले से रेडी रखेंगे। इस एक्सरसाइज में भी आपका ब्रेक नहीं होगा, 4 राउंड
आपको लगातार करने हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये था आपका लेवल नंबर 16। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा लेवल नंबर 17। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो पार्ट 4 है यहाँ से अब लेवल होंगे अपग्रेड, आपको आप एडवांस लेवल देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि काफ़ी लोगों को लगेगा यार ये लेवल तो मैं करता हूँ, लेकिन काफ़ी लोग अरे ये लेवल तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं। तो अब ऐसे लेवल आपके स्टार्ट होंगे। अब अगला हम शुरू करते हैं लेवल नंबर 17, जिसे हम कहते हैं प्री एग्जॉस्ट सेट। अब प्री एग्जॉस्ट क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें आप दो मसल सांसना चलाएंगे, जैसे कि सुपर सेट में आपको बताया था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल या कंपाउंड और आइसोड। इसमें वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट साथ साथ ले लेता हूँ। और ध्यान रखिए दोस्तों, एक्सरसाइज को अपने हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप हर मसल के इसके अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ प्री एग्जॉस्ट में ट्राइसेप्स और बाइसेप्स का, ट्राइसेप्स प्लस बाइसेप्स। अब इसमें क्या करना होता है दोस्तों, प्री एग्जॉस्ट सेट क्या है इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। प्री एग्जॉस्ट का मतलब क्या है, आपने इस मसल इस सेट में आपने एक मसल्स को फटीग लेवल तक करना है, यानी कि जैसे आप ट्राइसेप्स कर रहे हैं, मान लो मैं ट्राइसेप्स में पुश डाउन कर रहा हूँ, पुली पुश डाउन समझते हैं, केबल से जो हम करते हैं पुली पुश डाउन। इसमें आपको फटीग लेवल तक इसमें रिपीटेशन करने हैं, और वेट आपको ऐसा लेना है जिसमें आपके मैक्सिमम रिपीटेशन हो सके। ठीक है, मान लीजिए इसमें मैं 20 रिपीटेशन करता हूँ, और आपको रिपीटेशन ऐसे वेट ऐसा लेना है कि ना 15 से 20 रिपीटेशन आप कर पाएँ, और 15 से 20 रिपीटेशन आपकी बॉडी का फटीग लेवल तक आपको ले जाना है, यानी कि उस मसल को एग्जॉस्ट कर देना है। उसके बाद दूसरी लेवल जो आपका बाइसेप्स है, इसमें आपको ऐसा वेट लेना है जिसमें आप करीब 8-10 रिपीटेशन ही कर पाएँ, ये ध्यान रखना है। मतलब एक मसल्स को आपको फटीग करना है, और एक मसल्स को आपको 8-10 रिपीटेशन, यानी ऐसा वेट लेना है जिसमें 8-10 रिपीटेशन आप आराम से कर पाएं। तो ये था आपका प्री एग्जॉस्ट। ऐसे ही आप चेस्ट में एंड ट्राइसेप्स में कर सकते हैं, या लेग्स प्लस शोल्डर में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया अपने हिसाब से, अगर आप चेस्ट और ट्राइसेप्स कर रहे हैं तो चेस्ट को, जैसे आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, बेंच प्रेस में आपको ऐसा वेट लेना है जिससे आप मैक्सिमम रिपीटेशन उससे कर पाएं, और अपनी चेस्ट को पूरी आपको एग्जॉस्ट कर देना है। उसके बाद आपको ट्राइसेप्स का, चाहे स्कल क्रशर कर सकते हैं चाहे किक बैक कर सकते हैं, इसमें आपको ऐसा वेट लेना है जिसमें आप 8-10 रिपीटेशन कर पाएं, यानी एक को फटीग करना है और एक को आपको 8-10 रिपीटेशन। तो ध्यान रखिएगा, ये तो आपका, ये था आपका प्री एग्जॉस्ट सिस्टम। अब मैं बहुत तेज़ी से आपको आगे बढ़ता हूँ, इसे भी हम प्री एग्जॉस्ट कहते हैं, लेकिन रिवर्स प्री एग्जॉस्ट, रिवर्स और प्री एग्जॉस्ट सिस्टम यही है। आप रिवर्स प्री एग्जॉस्ट में क्या करेंगे, इसी एग्जांपल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैं आप लेग्स और शोल्डर का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ट्राइसेप्स और बाइसेप्स का लिया, आपको क्या करना है, जैसे आपने ट्राइसेप्स को एग्जॉस्ट किया फिर बाइसेप्स का किया, अब पहला सेट, यानी कि जैसे हम 4 सेट करते हैं, जो आपका फर्स्ट सेट है उसमें आपको ट्राइसेप्स को आपने एग्जॉस्ट किया और बाइसेप्स के आपने 8-10 रिपीटेशन किए, ये आपका पहला सेट होगा। जब आप सेकेंड सेट करेंगे तो आप उल्टा कर देंगे, ये इसी का इसलिए नाम प्री रिवर्स प्री एग्जॉस्ट है, यानी कि आप जब बाइसेप्स करेंगे जिसके आप 8-10 रिपीटेशन करेंगे, इसको आपको एग्जॉस्ट कर देना है। आप समझिए इस सेट को, पहले में हमने ट्राइसेप्स को एग्जॉस्ट किया, बाइसेप्स के रिपीटेशन किए, अब आपको क्या करना है, दूसरे सेट में बाइसेप्स को एग्जॉस्ट कर देना है मैक्सिमम रिपीटेशन, और ट्राइसेप्स के आपके 8-10 रिपीटेशन करने। फिर जो थर्ड सेट होगा वो पहले वाला, और जो फोर्थ सेट होगा फोर्थ वो सेकंड वाला। तो दोस्तों ये था आपका रिवर्स प्री एग्जॉस्ट सेट सिस्टम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपको अपनी बॉडी को यूज टू नहीं करना, अगर अपनी बॉडी को यूज टू किया तो आप अपनी एक्सरसाइज के अंदर एंटरटेनमेंट खत्म करेंगे कर देंगे, और एक्सरसाइज के अंदर एंटरटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सरसाइज को एंजॉयबल बना देते हैं तो उसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, और आप बहुत जल्दी अपनी बॉडी को एक नेक्स्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले लेवल के ऊपर, लेवल नंबर 19। दोस्तों यहां से एक लेवल और ऊपर, इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्लस आइसोटोनिक सुपरसेट। ठीक है, आइसोमेट्रिक। दोस्तों अगर आपने मेरी क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइज वाली वीडियो देखी हो, उसमें मैंने आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक में क्या फ़र्क होता है। आइसोमेट्रिक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें आप मसल्स को कंटिन्यूसली टेंशन में रखते हैं और मूव नहीं करते, यानी कि मसल छोटी बड़ी नहीं होती। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो ये एक आइसोटोनिक मूवमेंट है, बट आप स्क्वाट होल्ड कर रहे हैं तो ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, इसका सुपर सेट बनाना है। सुपर सेट आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में से साथ साथ, या कंपाउंड और आइसोलेट मूवमेंट। अभी मैं आपका कंपाउंड और आइसोलेट साथ साथ चला लेता हूँ। जैसे मैं बाइसेप्स और बैक का चलाता हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर,
बाइसेप्स एंड बैक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो बाइसेप्स है उसको आइसोमेट्रिक रखना है और बैक को आइसोटोनिक, यानी कि बाइसेप्स जैसे आप पुलअप करते हैं, आपको क्या करना है पुलअप करके यहाँ पे होल्ड करना है, तो इससे आपका ये आइसोमेट्रिक हुआ, यानी कि आपने मसल्स को मूव नहीं किया और आपने होल्ड किया, तो बाइसेप्स की स्ट्रेंथ आपकी यूज़ होगी। तो आप मैक्सिमम जितने भी सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं, चाहे वो 10 सेकंड हो, 20 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, जितने सेकंड भी आप आइसोमेट्रिक पुलअप होल्ड कर सकते हैं, साथ में आप बैक की एक्सरसाइज करेंगे आइसोटोनिक, यानी कि बेंट ओवर बारबेल रो, सीटेड रोइंग, कोई भी एक्सरसाइज। दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज के साथ ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जब आप ट्राइसेप बाइसेप्स करें या शोल्डर लेग्स करें, उसमें भी आपको क्या करना है, एक आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का सुपर सेट बना के करना है। दोनों में से एक एक्सरसाइज आपको आइसोटोनिक मूवमेंट वाली करनी है और एक एक्सरसाइज आपको होल्डिंग वाली करनी है। जैसे आप स्क्वाट होल्ड, गॉबलेट स्क्वाट कर सकते हैं आप होल्डिंग में, या लेग प्रेस अगर आप कर रहे हैं तो लेग प्रेस को मिडिल पोजीशन में, यानी कि मसल आपकी कंटिन्यूसली टेंशन में रहनी चाहिए। तो ये आपका हो गया 19वां लेवल। अब हम आज की वीडियो का लास्ट लेवल आपसे डिस्कस करता हूँ, लेवल नंबर 20। इसका है रिवर्स सुपरसेट, यानी आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक है रिवर्स सुपरसेट, ठीक। अब इसका रिवर्स कैसे होगा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, आइसोमेट्रिक प्लस आइसोटोनिक। अब इसमें क्या करना है, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं इसी को एग्जांपल को आगे चल रहा हूँ, बाइसेप्स प्लस बैक, ये दो एक्सरसाइज को अगर मैं साथ साथ चला रहा हूँ, तो इसमें क्या करना है, बाइसेप्स को मैं आइसोमेट्रिक कर रहा था पहले वाले में और बैक को आइसोटोनिक कर रहा था, ठीक है। अब आपको इसको घुमा देना है, जब पहला सेट होगा तो आपका बाइसेप्स आइसोमेट्रिक और बैक आपका आइसोटोनिक, लेकिन जब आप दूसरा सेट करेंगे तो जो बैक होगी वो आइसोमेट्रिक, यानी कि अगर आप बेंट ओवर बारबेल रो अगर आपने चूज़ किया हुआ है तो बेंट ओवर बारबेल रो करके आप यहाँ पे होल्ड करेंगे बेंट ओवर बारबेल। अगर आप लेग पुल डाउन कर रहे हैं तो लेग पुल डाउन को आपको मिडिल में होल्ड करना है, यानी कि कंटिन्यूस मसल टेंशन में रहनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेट, फिर बाइसेप्स आपका, जब तीसरा सेट होगा फिर बाइसेप्स आपको आइसोमेट्रिक करनी है और बैक आपको आइसोटोनिक, जब फोर्थ सेट होगा फिर से बैक, बैक आपको आइसोमेट्रिक करनी है और बाइसेप्स आपको आइसोटोनिक। दोस्तों ये मैंने आज आपसे 6 लेवल डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ सारे लेवल आपको बहुत आराम से समझ में आ गए होंगे। लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर इनमें इन लेवल्स को समझने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट वगैरह में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों आज की वीडियो को मैं एंड करने से पहले आपको बताता हूँ, बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा लेवल एक्सरसाइज का पार्ट 5 लेके, जिसमें मैं आपसे 5 लेवल और डिस्कस करूंगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।